आत्मा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है, जो जल शांत स्थिर हो। यही तो समस्या होती है मन की, मन कभी भी शांत नहीं हो पाता। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता, समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता, प्रतिपत्ति शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है,